मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसेसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, मेरे पिछले दो वीडियोस CPR संजीवनी बूटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप सब लोगों ने देखा और उसे बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो वीडियो आप तक भेज रहा हूँ वो है CPR फॉर चाइल्ड। पहला जो था वो CPR फॉर एडल्ट्स था, अब ये बच्चों में CPR किस तरीके से हमने करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी आघात अपघात में या किसी भी हादसे की वजह से कोई भी बच्चा अगर मूर्छित हो जाता है, वो बात नहीं कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे समय हमने तुरंत वहाँ क्या करना चाहिए। और इस तरीके का कोई भी हादसा घर में, बाहर, पार्टी में, फंक्शन में, स्कूल में, प्ले हाउस में, कहीं पर भी हो सकता है। तो मित्रों, ये CPR फॉर चाइल्ड, ये जो प्रथमोपचार है, ये ना केवल घर के लोगों के लिए, माता पिताओं के लिए आवश्यक है, बल्कि ये स्कूल में जो टीचर्स है और वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी है, इनके भी लिए उतना ही आवश्यक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं CPR की ओर। मित्रों, अब मैं आपको CPR इन चाइल्ड, CPR बच्चों के लिए किस तरीके से किया जाता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जांच करना है उस बच्चे की कि वो बच्चा बेहोश है या होश में। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास केवल 10 सेकंड है। 10 सेकंड में हमें जांच करना है। कैसे जांच करना है देखिए। सबसे पहले उसे आवाज़ देना है, उसके कान के पास जाइए, आवाज़ दीजिए, हेलो हेलो बेटू, इधर देखो, आँख खोलो आँख खोलो। उसकी गाल पे थपथपाना है और उसे आवाज़ देना है। अगर वो कोई रिस्पांस नहीं देता है तो उसके पैर के तलवे को हमें टैप करना है। अगर इस टैपिंग से या गाल पे थपथपाने से, आवाज़ देने से कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब ये बच्चा बेहोश है, अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव है, ऐसे समय हमें पहले उसके सांस की जांच करना है, वो सांस ले रहा है या नहीं। तो अपना कान उसके नाक और मुंह के पास ले जाइए और अपनी नज़र छाती और पेट की तरफ, यहाँ पर दिख रहा है कि उसकी सांस बंद है, उसकी छाती पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है और हमारे कान को उसके सांस का एहसास नहीं हो रहा है, मतलब इसकी सांस बंद है। अब ऐसे समय हमें तुरंत CPR शुरू करना है। तो CPR कैसे शुरू करें देखिए। ये स्टर्नम बोन है जो हमारे हार्ट का कवर है। इस स्टर्नम बोन के ऊपर हमें अंगूठा रखना है। अंगूठा एग्जैक्ट कहाँ रखना है, तो दो निप्पल के बीच में, इस बच्चे के दो निप्पल के बीच में अंगूठा रखना है स्टर्नम बोन के ऊपर, इस तरीके से, और 30 चेस्ट कॉम्प्रेशंस देना है। 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन और दो सांस जिंदगी के। 30 बार छाती दबाना है। सीना कितना दबाना है, 1.5 इंच। हृदय हमारा इस स्टर्नम बोन से 1.5 इंच नीचे है, तो 1.5 इंच तक हमें प्रेशर देना है, 1.5 इंच हमें सीना दबाना है और 2 बार सांस देना है। सांस देते समय इस बच्चे का नाक और मुंह कवर करना है हमारे मुंह से, नाक और मुंह दोनों को कवर करना है हमारे मुंह से और सांस फूंकना है। तो 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन, 2 बार सांस, फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा। अंगूठा रखना है दो निपल के बीच में स्टर्नम बोन के ऊपर, 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तीस चेस्ट कॉम्प्रेशंस, 2 बार सांस, यह है रेशो ऑफ CPR।
ये करते करते हमें इस बच्चे को अस्पताल तक ले जाना है, तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए वाहन का प्रबंध करना है। अगर ये CPR के दौरान होश में आ जाता है, अपनी सांस शुरू कर देता है, आँख खोल देता है, तो हमें CPR बंद करना चाहिए। अदरवाइज जब तक हम अस्पताल नहीं पहुँचते, CPR हमें शुरू रखना है। मित्रों, आज का ये मेरा CPR फॉर चाइल्ड यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए, अपने मित्रों में इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जन जागृति हो, और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच।